हिजाब विवाद के बीच ट्रोल हुई स्वरा भास्कर, अभिनेत्री ने दिया मुंह तोड़ जवाब। देश में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर उन पहली कुछ हस्तियों में शामिल हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर उग्र विवाद के बारे में बात की। स्वरा, जो विभिन्न सामाजिक राजनीतिक मुद्दों और विवादों पर मुखर होने के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में अपने ट्विटर पर महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण के साथ चल रहे हिजाब विवाद की तुलना की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, महाभारत में द्रौपदी के कपड़े जबरन उतार दिए गए और सभा में बैठे जिम्मेदार ताकत कानून बनाने वाले देखते रहे, बस आज याद आया। उनका ये ट्वीट एक वीडियो के बाद आया है जिसमें हिजाब पहने लड़कियों को कर्नाटक में अपने स्कूल में प्रवेश करने से पहले पारंपरिक कपड़े उतारने के लिए कहा गया था, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। हालांकि स्वरा भास्कर का ट्वीट नेटिजन्स के एक वर्ग के साथ अच्छा नहीं रहा, जिन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उन्हें बेरहमी से ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, आप बुर्का पहनना शुरू क्यों नहीं कर देती। एक अन्य यूजर ने लिखा, आप हिजाब और बुर्का क्यों नहीं पहन लेती ताकि हम आपके बदसूरत चेहरे से बच जाएं। एक और यूजर ने लिखा, नास्तिक को शास्त्रों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, तालिबानी बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी महिलाओं को टेंट में छिपा कर रखते हैं, आपको भी वहां जाना है। एक अन्य यूजर ने एक इवेंट से उनका स्क्रीनशॉट लिया जहां स्वरा से उनकी शॉर्ट ड्रेस के बारे में पूछा गया। वैसे स्वरा अपने बेबाक जवाबों से ट्रोलर्स का मुंह बंद करना जानती हैं। ट्रोल के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हाँ मैं हूँ लुकिंग बम, थैंक यू। मेरी इस तस्वीर को साझा करने और दुनिया को ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि मैं भी एक आकर्षक हूँ। मैं महिलाओं के कपड़े चुनने के अधिकार की वकालत करती हूँ। आप जानते हैं पसंद शब्द का अर्थ क्या होता है। कोई नहीं, आप रहने दो, आप बस स्लट शेम करो और उसमें भी फेल हो जाओ। आप एक महिला के प्रति लोगों की इस तरह की टिप्पणी को कैसे देखते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।